नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज गणित का क्लास है और आप लोग ध्यान से देखें, मैथमेटिक्स का क्लास है। सोमवार को मैथमेटिक्स होता है, मंगलवार को फिजिक्स होता है, बुधवार को मैथमेटिक्स, अल्टरनेट इसी प्रकार से क्लास होता है और आप लोग का स्वागत करते हैं। ध्यान से देखें इस चैप्टर को। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और इसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हम बता चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन का जो है 21 यानी 10-12 तो क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इसे हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से देखना है इस चैप्टर को। 11 नंबर क्वेश्चन यह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 cos 2 sin inverse 1/2 ऐसा है, इसका हल करना है दोस्तों। तो ध्यान से देखें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाल लिखा होगा सब्सक्राइब उसे टच कर दें और बेल आइकन को दबा दें। टेन इनवर्स ऐसा है सवाल, तो इसको जो है सॉल्व पीछे से किया जाता है, आगे सॉल्व नहीं होता, ये पीछे से हल होता है। तो टेन इनवर्स लिख देंगे, 2 cos लिख देंगे, 2 cos लिख देंगे और उसके बाद जा करके 2 sin inverse 1/2 है, तो साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? 30 डिग्री, यानी π/6 लिख देंगे। साइन कितना डिग्री 1/2 होता है? 30 डिग्री, जिसे हम π/6 लिखते हैं। इसको हम काट देंगे, टेन इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 मतलब 60 हुआ, पाए मतलब होता है 180 डिग्री। पाए मतलब क्या आता है? 180 डिग्री, और 180 डिग्री में 3 से भागा देंगे तो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2, और cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है? 1/2। ये 2 कट गया, टेन इनवर्स 1 हो गया, और टेन कितना डिग्री 1 होता है? 45 डिग्री, जिसे हम क्या कहते हैं? π/4 कहते हैं। ये आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए इसे। और आप लोग जब भी बैठें तो कॉपी कलम लेकर बैठें और एक तरफ से आप लोग वीडियो देख करके लिखते जाएं, आनंद आएगा। ये नहीं कि ये जानते हैं छोड़ देंगे, इसे लिखिए, अच्छा आए लगेगा। बारह नंबर क्वेश्चन है, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2, इसीलिए टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए भी होगा π/2। अब इस पूरे को हटा कर π/2 लिख सकते हैं, तो सवाल क्या हुआ? कॉट, और ये पूरा हट के बन गया π/2, और कॉट 90 का मान क्या होता है दोस्तों? तो 0 होता है। कॉट 90 का मान क्या होता है? 0 होता है, 0 आंसर हो गया। सवाल 13 नंबर आते हैं, इस चैप्टर का पहले वीडियो बना चुके हैं, आप इसका पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपका होगा। एक तरफ से वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को भी देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन इस चैप्टर में है। 13 नंबर, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² + cos inverse 1 - y² / 1 + y² इसको हमको हल करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व डेट है। तो बच्चों एक फॉर्मूला होगा जिसे याद रखना है आप लोग को, सूत्र फॉर्मूला 2 tan inverse x। 2 tan inverse x का सूत्र होता है, साइन में अगर हम पूछेंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस में पूछेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², और टेन में पूछेंगे तो टेन इनवर्स 2x/1 +
वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है फॉर्मूला है दोस्तों, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग जो हैं इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो टेन लिखेंगे, वन बाय टू लिखेंगे, और इस पूरा को हटा करके हम टू टेन इनवर्स एक्स दे सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे टू टेन इनवर्स एक्स प्लस, ये जो है ये भी फॉर्मूला है y के रूप में है, तो क्या हो जाएगा टू टेन इनवर्स y, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, x के रूप में है तो x हुआ, y के रूप में होगा तो y होगा। अब दोस्तों दो और दो कॉमन लेके ये दो काट दीजिए तो क्या हो जाएगा टेन, दो दो कॉमन लेके काट दिए तो क्या बचा टेन इनवर्स x प्लस में टेन इनवर्स y। दोस्तों अब ये सवाल करीब करीब बन गया, हम लोग जो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y फॉर्मूला जानते हैं जिसका वीडियो हम बना दिए हैं, आप लोग को फॉर्मूला का भी वीडियो बनाए हैं देख लीजिएगा। टेन टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटे वन माइनस एक्स वाई। अब टेन और टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है क्या, टेन टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है x, तो यहाँ पर टेन टेन इनवर्स ये हो गया x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x प्लस y बटे में वन माइनस एक्स वाई। आंसर अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखें, और आज इस चैप्टर को हम टोटल बता देते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, आप लोग का अगेन स्वागत करते हैं, और आप लोग ध्यान से पढ़ें दोस्तों, आप लोग के लिए हम वीडियो लगातार आप लोग को देते रहेंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी है। चौदह नंबर क्वेश्चन है साइन साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर वन है, एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें दोस्तों, सॉल्व करने से पहले ये साइन जो है अगर वो उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाय फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वन। साइन जब उठ के उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स वन, और साइन कितना डिग्री वन होता है, पाई बाय टू होता है, नब्बे डिग्री। साइन कितना डिग्री वन होता है, नब्बे डिग्री, पाई बाय टू हम लिख देंगे। या साइन इनवर्स वन बाय फाइव बराबर ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स है उधर गया तो माइनस, यानी पाई बाय टू घटा कॉस इनवर्स एक्स। दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जिसे हम पाई बाय टू कहते हैं। अगर हम कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाइए तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू घटा कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई बाय टू घटा कॉस इनवर्स एक्स को हटाकर हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो या साइन इनवर्स वन बाय फाइव बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स के स्थान पर कौन है, इसलिए एक्स के स्थान पर क्या है, वन बाय फाइव है, ये आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, पंद्रह नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, वीडियो रोक करके आराम से एक तरफ से लिखते जाइए दोस्तों, आप लोग के लिए पूरे मेहनत के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि आप लोग का कोर्स अच्छा से अच्छा हो सके दोस्तों, आप लोग का प्यार सिर्फ बना रहे। पंद्रह नंबर सवाल ये भी सॉल्व है, सॉल्व करना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, वीवीआई क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर में है पाई बाय फोर, और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला आप लोग को ब्रेन में रखना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला
हम आपको ऐसे भी फॉर्मूला लिखा चुके हैं, और जब भी सवाल बताते हैं तो फॉर्मूला आपको बताते जाते हैं। आप लोग कॉपी कलम ले करके फॉर्मूला का एक कॉपी बना लीजिए और उसमें फॉर्मूला लिखते जाइए और याद कर लीजिए, ठीक है। टेन इनवर्स ये हो गया एक्स, अब प्लस टेन इनवर्स ये हुआ वाई, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे, एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू, अब प्लस में एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इन टू में वाई। अब बराबर में दोस्तों है क्या, पाई बाय फोर लिख लीजिए। अब जो है दोस्तों इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, ये टेन इनवर्स उठ के उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा क्या, इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू लघुत्तम होगा, इसको इससे गुना करेंगे, एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन, इसको इससे गुना करेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, अब बटे यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू गुना करेंगे और इसको एक से गुना करेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू घटा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, अब बराबर में टेन इनवर्स उठ के जब उधर जाएगा तो हो जाएगा टेन पाई बाय फोर। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है एक और वीडियो आपको अगर बना के दे देंगे तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये और ये कैंसिल आउट, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू, प्लस इसको इससे गुना करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, बट है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर माइनस चार हो जाएगा, इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस एक हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर का मान वन होता है दोस्तों, लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जोड़िए, टू एक्स स्क्वायर माइनस दो माइनस दो माइनस चार, बट है ये माइनस जब अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, बराबर में इधर वन हुआ, ये एक्स स्क्वायर कट गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बटे माइनस चार प्लस वन माइनस तीन, बराबर में एक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर माइनस तीन हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, टू एक्स स्क्वायर चार घटा तीन यानी एक हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे दू, एक्स बराबर रूट एक बटे दो यानी प्लस माइनस वन बाय रूट टू, ठीक है दोस्तों लिख लीजिए। ये आपको 15 नंबर सवाल था। 16 से 18 जो है कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज, ये सब का हमको वैल्यू फाइंड करना है, रेंज आप लोग को दिमाग रखना है, मिटाते हैं, रेंज डोमेन जो है आप लोग जो है फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। 16 नंबर सवाल है, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री, दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस 90 से लेकर 90 तक होता है क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो इसका मान जो है अभी 2 पाई बाय 3 यानी 60 दूनी 120 डिग्री हो जाता है, जो कि बाहर इससे हो जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, लेट साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 बराबर थीटा इस रेंज में लाना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स उठ के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन टू पाई बाय थ्री, हमको तो थीटा का मान निकालना है, डैट इज इसका मान निकालना है, तो साइन टू पाई बाय थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन
पाई घटा पाई बाई थ्री, तीन पाई में से एक पाई गया तो क्या हो जाएगा, टू पाई बाई थ्री हो जाएगा ना। साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता दोस्तों, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस ये हुआ थीटा, तो इसके बदला हम क्या देंगे, साइन थीटा का स्थान क्या है पाई बाई थ्री, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई थ्री। थीटा है क्या, तो ये है, तो इसीलिए साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री बराबर पाई बाय थ्री आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने ग्रुप में, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम लोग को अच्छा लगता है। वो वीडियो अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, आप लोग का अपना जो फ्रेंड होगा उस सर्किल में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर। दोस्तों टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना, वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में होता है। ओपन इंटरवल मतलब ना ये होगा और ना ये होगा, इसके बीच का मान होगा। ठीक, ओपन इंटरवल को छोटा क्वेश्चन नोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को बड़ा क्वेश्चन नोट करते हैं। टेन इनवर्स का रेंज हुआ ये। अब इसको सॉल्व जो करना है दोस्तों, वही सेम करना सॉल्व, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर बराबर क्या मान लेना है, थीटा मान लेना है। टेन इनवर्स उठ के उधर जब जाएगा तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर टेन थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, तो थ्री पाई बाय फोर यानी पाई बाय फोर 45 होता है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15 चाहते हुए 135 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बाहर चल जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम करेंगे क्या, टेन थीटा बराबर टेन पाई घटा पाई बाय फोर लिख देते हैं। 4 पाई से 1 पाई गया, 3 पाई फोर हो गया। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है टेन पाई माइनस थीटा का, जो कि होता है माइनस टेन थीटा। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन पाई माइनस पाई बाय फोर, डैट इज माइनस टेन पाई बाय फोर। इस माइनस को हम अंदर जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाय फोर। क्यों हो ऐसे माइनस अंदर कर दिए, क्योंकि टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, यानी अगर माइनस बाहर में रहे तो उसको हम अंदर करके टेन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस बाहर में था, इसको हम अंदर करके लिख दिए। अब थीटा का स्थान पर कौन बैठा है ये, इसलिए थीटा बड़ा हो गया माइनस पाई बाय फोर। और थीटा माने थे किसको, तो इसको माने थे, देख लीजिए माने थे ना, तो इसीलिए टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर बराबर माइनस पाई बाय फोर आंसर। ठीक है, 18 नंबर आइए दोस्तों, लिख लीजिए वीडियो रोक करके, 18 आइए। सवाल है टेन साइन इनवर्स थ्री बाय फाइव प्लस कॉट इनवर्स थ्री बाय टू, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम बाहर में जो बैठा हुआ है उसी के अनुसार से इसके अंदर का जो है रूप रंग चेंज किया जाता है। अगर बाहर में टेन है तो इस दोनों को भी टेन में बदल देंगे, बाहर में साइन रहता तो इस दोनों को साइन में बदल देते, कॉस रहता तो कॉस में बदल देते। तो जैसा रहता है सिस्टम उस अनुसार से हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों टेन यहाँ पर दे देते हैं, साइन है, साइन थीटा होता है पी बाय एच, यहाँ पर पी है आपको 3, एच है 5। अगर हम इसका बी निकालेंगे तो बी आपको 4 निकल जाएगा, इसका स्क्वायर घटा इसका स्क्वायर को ओवर रूट कीजिएगा 4 निकल जाएगा। अब इसको टेन अगर बदलेंगे तो टेन थीटा होता है पी बाय बी, तो पी हो गया 3, अब बी है 4, 3 बटा 4। अब कॉट को भी टेन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे,
इसको पलट दीजिए, 10 इनवर्स 2/3, कॉट का रिवर्स जो है वो 10 होता है। अब दोस्तों ये हो गया 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, जिसका सूत्र होता है 10 इनवर्स x + y / 1 - xy। तो 10 तो है ही बाहर में, इसको तोड़ने पर क्या आएगा, 10 इनवर्स x + y / 1 - x * y, ठीक है, 10 इनवर्स खलास। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 3 = 12 हो गया, 12 × 3 = 9 और जोड़ 4 × 2 = 8, यहाँ भी इसका हो जाएगा 12 × 12 = 6, 12 कट गया, 9 + 8 हो गया 17 / 12 - 6 गया हुआ 6, 17/6 आंसर हो गया, लिख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं, cos 7π/6। दोस्तों cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है क्लोज इंटरवल 0π, ठीक है, cos इनवर्स x का होता है क्लोज इंटरवल 0π। तो इसको जो है दिमाग में रखना है आप लोग को, आपको रेंज अगर याद रहता है तो सवाल आपको आसानी से बनेगा, ठीक है, अगर रेंज आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा, सवाल थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों आप लोग रेंज ज़रूर दिमाग में रखें और रेंज से आपको सही एक्यूरेट वैल्यू आएगा, ठीक है। जितना दिया हुआ उतना बड़ा थीटा मान लेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 बराबर थीटा, ये कॉस इनवर्स उठ के इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस 7π/6, कॉस थीटा बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 2π - 5π/6, 6 × 12 = 5 = 7π/6, और एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, कॉस 2π - थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा था ये है, और कॉस 2π - थीटा हो गया कॉस थीटा, थीटा क्या है 5π/6, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5π/6, पाई बाय सिक्स मतलब 30, 30 × 5 = 150, जो कि 0 और 106 के बीच में आ जाता है, ये सही है, ठीक है, लिख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, साइन π/3 - sin inverse - 1/2, इसका मान निकालना है दोस्तों। साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर साइन लिख दीजिए π/3, और साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसका होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, साइन 5/3, और साइन कितना डिग्री 1/2 होता है तो 30 डिग्री यानी 5/6, ये 60 हुआ और ये 30, 60 और 30 दोनों जोड़ने में क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, जिसे हम साइन 5/2 कहते हैं, और साइन 5/2 का मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर आ गए, मिटाते हैं इसको। 21 नंबर वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और उसे चैनल सब्सक्राइब करने बोलें, इस पर लगातार वीडियो मिलता रहेगा। 10 inverse √3 - cot inverse - √3, इसका मान निकालना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए cot inverse - x का फॉर्मूला होता है पाई घटा
कॉट इनवर्स एक्स, पाई घटा कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री हो गया, तो टेन इनवर्स रूट थ्री को हम लिख सकते हैं, टेन कितना रूट थ्री होता है 60 डिग्री, पाई बाय थ्री, और घटा कॉट इनवर्स ये एक्स हो गया, इसे हम लिख सकते हैं पाई घटा कॉट इनवर्स रूट थ्री, पाई बाय थ्री तो लिख दिए, घटा पाई घटा कॉट कितना डिग्री रूट थ्री होता है दोस्तों, तो कॉट जो होता है वो 30 डिग्री होता है रूट थ्री यानी पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री घटा सिक्स पाई में से एक पाई गया फाइव पाई बाय सिक्स। अब तीन और छः का लघुत्तम छः हो गया, तीन दूनी छः तो टू पाई घटा फाइव पाई, जिसे हम माइनस थ्री पाई बाय सिक्स लिखते हैं और काटने पाए माइनस पाई बाय टू आंसर। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका दोस्तों, अब जो है हम लोग मिसलेनियस पढ़ लेते हैं और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है तो पहले इसका कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए प्लीज आप लोग कॉपी कलम लेके जरूर बैठें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें तो आपको जो है गणित बहुत ईजी लगेगा दोस्तों, और ऐसा तरीका से आप लोग को हम पढ़ाते हैं कि आप लोग को गणित हार्ड नहीं लगेगा, कहीं भी अगर होता है कहीं कहीं हम शॉर्ट कर देते हैं तो आप लोग का दिमाग चेक करने के लिए करते हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा शॉर्टकट समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी एक दो स्टेप ज़रूर छलांग लगाएं, इससे होगा क्या आप लोग का मेमोरी एक्स्ट्रा सोचेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिसलेनियस है दोस्तों, मिसलेनियस का जो है एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस एग्जाम्पल, जो कि है 9 नंबर, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। तो दोस्तों पहले तो ये आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता क्या है, तो दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो होता है माइनस पाई बाय टू क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि ये जो है इसके अंतर्गत आता है कि बाहर चला जाता है, तो अगर हम इसको चेक करें तो 3 पाई बाय 5 टाइम 3 इंटू 180 बाय 5 इसको तोड़ेंगे 36 या 108 डिग्री, जो कि इसमें नहीं आता है इस अंतराल में, तो इस अंतराल में लाने के लिए हमको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत बच्चा खुशी से साइन इनवर्स साइन इतना डेट इज 3 पाई बाय 5 लिख देता है, जो कि गलती है, ठीक है। क्यों गलती है? क्योंकि इस रेंज में वो नहीं आता इसलिए गलती है, ठीक है दोस्तों। तो जितना है दिया हुआ सवाल उतना बड़ा थीटा मान लेते हैं, साइन इनवर्स उठा के उधर गया तो क्या हो गया साइन थीटा बराबर साइन 3 पाई बाय 5। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन पाई घटा 2 पाई बाय 5 लिख सकते हैं, बताइए 5 पाई से 2 पाई गया 3 पाई बाय 5। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा का, जो कि होता है साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या था साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर साइन पाई माइनस इतना डेट इज क्या हो गया साइन 2 पाई बाय 5, तो थीटा का स्थान पर क्या है दोस्तों 2 पाई बाय 5, ये आंसर हो गया। और ये 2 पाई बाय 5 जो है इस रेंज में अब आ जाएगा, देख लीजिए अगर विश्वास नहीं होता, 2 पाई का मान हुआ 180 बटे 5, 36 दूना 72 जो है ये आपको माइनस 90 और 90 के रेंज में आ जाता है, ठीक है। 10 नंबर आते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल मिसलेनियस का है और अच्छा क्वेश्चन है। सो डैट दिखाना है साइन इनवर्स 3 बाय 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बटे 17 बराबर कॉस इनवर्स 84 बटे 85, ये प्रूफ करना है दोस्तों, लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रूफ है। तो एक फॉर्मूला दोस्तों दिमाग में रखना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, जिसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर,
माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग को दिमाग में रखते जाना है, एक डायरी में लिख लीजिएगा सूत्र को और उसे आप लोग याद जरूर कर लें। तो यहाँ पर एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, तो फार्मूला पर अगर बैठाएंगे तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स में क्या देंगे 3/5 रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64/17 का स्क्वायर 289। ठीक, अब माइनस वाई, तो वाई कितना, तो 8/17 और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3×3 = 9/25। समझे, एक्स लिख दिए और रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर दिए, अब फिर माइनस था तो माइनस दिए, वाई ये लिख दिए और रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिए। तो अब बहुत बच्चा यहाँ खोजता है 8/17 का स्क्वायर, अरे बुढ़वक, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 64/279 आ इसका स्क्वायर कीजिएगा 9/25, तो लिख करके करेगा स्क्वायर, अरे बोकार, इसको देखोगे 3/5, 289 में से 64 निकाल दो हो जाएगा 225/289, 8/17 25×25 = 9 = 16 लिख लीजिए। साइन इनवर्स 3/5, 225 को हम 15 लिख सकते हैं वर्गमूल, 289 का 17 होगा, घटा 8/17, 16 का 4 होगा और 25 का 5 होगा। साइन इनवर्स ये अभी गुणा कर देते हैं तो अच्छा रहेगा आपको एलसीएम लेने में, 15×45/17 = 85 घटा 32/85। साइन इनवर्स 85, 85 = 85, 45 × 32। साइन इनवर्स 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया हुआ 1, ठीक है, 3×2 = 5, 3×1, ठीक है 13/85। दोस्तों लेकिन प्रूव तो करना है कॉस में, आया साइन में, प्रूव करना है कॉस में, तो ये दोस्त है क्या पी और ये क्या है एच, तो बी अगर हम निकालेंगे ना तो बी निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, 85 H² / P² इसको जब सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर करके घटा करके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वो जो आपको रिजल्ट निकलेगा वर्गमूल जो आएगा वो आ जाएगा 84, ठीक है, इसका जो वर्गमूल होगा 84। नहीं जानते हैं कैसे होगा, देखिए दोस्तों ये हुआ a² - b², जिसको हम फॉर्मूला क्या है, a + b (a - b). अब देखिए 85 और 13 को जोड़ो 5×3 = 8, 8×1 = 98, अब 85 में से 13 गया 5 में से 3 गया 2 8 में से गया 7, 72। अब 98 को अगर हम लिखेंगे तो इसको अगर हम तोड़ करके लिखेंगे दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 49 = 49 × 72 / 72 देखिए 49 का वर्गमूल होता है 7, 72 × 2 = 144 जिसका वर्गमूल होता है 12, तो 12×7 = 84 हो गया, तो इसीलिए इसको हम इस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं। तो साइन इनवर्स सॉरी कॉस में लिखना है ना, कॉस में लिखना तो कॉस होता है बी बैच, तो बी कितना निकला 84 और एच कितना है 85, 84/85। 11वां क्वेश्चन देखना है तो देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस का एग्जांपल का 11, देखिए सवाल ये है 11 नंबर, सो डैट साइन इनवर्स 12/13
प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस 10 इनवर्स 63/16 बराबर पाई प्रूव करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों, इसका एक नया रूल से आपको हम प्रूव करने बताते हैं। ऐसे तो आप इसको 10 में इसको 10 में बदल करके 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z की फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, और उससे भी सुंदर आपको हम ये बता देते हैं कि एक नया रूल से बताते हैं। जैसे इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, उसको z मानते हैं। तो जब इसको x मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 12/13 हो गया x, ये हो गया आपको y, और वो हो गया आपको z। 10 इनवर्स 63/16 क्या हो गया, जेड हो गया। तो इसलिए साइन एक्स क्या हो गया 12/13, कॉस वाई क्या हो गया 4/5, और टेन जेड क्या हो गया 63/16। लिख लीजिए दोस्तों, लिख दिए। अब जो है दोस्तों, इसको भी 10 में निकाल लेते, इसको भी 10 में निकाल लेते, वो तो 10 में है ही। तो अगर हम इसको 10 में मान निकालते, 10 x में, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपको p हो गया और ये आपको h हो गया। b जो है आपको इसका स्क्वायर घटा स्क्वायर से रूट करिएगा तो बी आपको 5 निकलेगा। तोड़ करके देख लीजिएगा, 5 आएगा तो 10 थीटा होता है पी वाई बी, यानी 12/5। इसमें भी अगर 10 निकालेंगे तो 3 निकलेगा इसका पी, पी वाई बी होता है 3/4 हो जाएगा, 10 जेड तो मालूम ही है। लिख लीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। और इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों, तो ध्यान से ज़रूर देखें। अब इसको मिटा देते हैं। अब जो है एक फॉर्मूला आप लोग को हम प्रस्तुत करते हैं, उसको ध्यान से देखना है। एक फॉर्मूला है 10x+y का, जिसका फॉर्मूला होता है 10x+10y/1 − 10x × 10y। लिख लीजिए, तो 10x+y = 10x का मान है 12/5, 10y का मान है 3/4 − 12/5 × 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 4 = 20, बढ़चों के 48 + 15, यहाँ भी 20, 20 × 12 = 36, 20 कट जाएगा, 48 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 बटे −16, डैट इज −63/16। ये 63/16 जो होता है वो 10 जेड है। आप देख लीजिए 10 जेड का मान 63/16 है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 10x+y तो उधर है ही, आइए 63/16 को हम 10 जेड लिख सकते हैं, तो −10z ऐसे लिख दिए। अब इस −10z को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक प्रकार है आपको 10−z, डैट इज होता है −10z, और दूसरा प्रकार है 10π − z, 10 180 − θ जो होता है वो −10θ होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो एक तरीका से इसके बराबर इसको कर सकते हैं और एक तरीका से इसके बराबर इसको कर सकते हैं। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब पहले इसको इसके बराबर करके तोड़ लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ जाता है। तो 10x+y = −10z, 10 − z, 10 इक्वल है, तो इसलिए x+y = −z। अब ये संभव आपको नहीं होगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर,
धनात्मक पूर्णांक, कोई भी दो धनात्मक संख्या को जोड़ने पर एक ऋणात्मक पैदा होगा। एक्स भी धनात्मक वाई भी धनात्मक है, दोनों धनात्मक को जोड़ने पर कोई ऋणात्मक पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। यानी इतना बराबर इतना तोड़ने पॉसिबल नहीं हुआ। तो अगला स्टेप क्या होगा, तो पाई माइनस जेड को इक्वल करते हैं, देख लेते हैं। तो टेन, अब टेन एक्स प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, टेन पाई माइनस जेड। तो टेन टेन इक्वल, तो इसलिए एक्स प्लस वाई क्या, पाई माइनस जेड, माइनस जेड को इधर ले आओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, पाई। अब देखिए एक्स जो है वो आपको माना गया है कितना, देख लीजिए वो है साइन इनवर्स 12/13। तो इस सब को हटा करके हम सबका मान बिठा देते हैं, इस एक्स के बदला हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 12/13, क्योंकि इतना बड़ा एक्स माने थे, प्लस वाई जो था वो क्या था, कॉस इनवर्स 4/5 था, और जेड जो था वो था टेन इनवर्स 63/16 था, अब बराबर में क्या आ गया, पाई आ गया, प्रूफ। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से देखें, दो क्वेश्चन और है, ये भी बना ही देते हैं, उसके बाद जा करके मिसलेनियस आपको एक्सरसाइज बचेगा, उसका वीडियो आपको दे देंगे बना करके, आप लोग जो है ध्यान से देखें, और जब भी पढ़ने बैठें कॉपी कलम लेकर बैठें, चाहे वो फिजिक्स पढ़ें या मैथमेटिक्स पढ़ें, ठीक है दोस्तों। एक सवाल 12 नंबर का है, सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई सिंपलीफाई करना है, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटे बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, इसको हल करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, तो सर्वप्रथम जो है दोस्तों बी कॉस एक्स से इसमें अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, बी कॉस एक्स से अंश और हर में भाग देने पर, तो क्या हाल होगा, टेन इनवर्स बी कॉस एक्स इसमें भी भागा दीजिएगा तो क्या होगा, ए कॉस एक्स बटे में बी कॉस एक्स माइनस में बी साइन एक्स बटे बी कॉस एक्स बटे बी कॉस एक्स बटे बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स बटे बी कॉस एक्स। अब जो इसमें कटने वाला है काट दीजिए, टेन इनवर्स ए बटे बी माइनस टेन एक्स बटे, ये कट गया तो वन प्लस ए बटे बी टेन एक्स। दोस्तों एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए इसको, वीडियो रोक करके ज़रूर लिखें, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई, डैट इज होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स टेन खलास, डैट इज टेन इनवर्स ए बटे बी घटा में एक्स, आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैथ का जो है वीडियो आपको कल तो फिजिक्स का मिलेगा, मैथ का वीडियो आपको परसों मिलेगा, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाय 4 है, सॉल्व करना है इसको, x का वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, तो ध्यान से देखें, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बाय 4 है। तो एक फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू में वाई बराबर में फाइव बाई फोर। ये टेन इनवर्स उठ के इधर आएगा तो तीन दू पाँच एक्स बटे वन माइनस छ एक्स स्क्वायर बराबर में टेन पाई बाई फोर। और टेन पाई बाई फोर का मान क्या था, वन होता है। फाइव एक्स बराबर वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स घटा में एक बराबर जीरो। गुणनखंड कीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो। अब जो है इसको हल करते हैं, इस दोनों में सिक्स एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस वन माइनस वन कॉमन, एक्स प्लस वन बराबर जीरो, सिक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब इसको हल करते हैं, एक बार इसके बराबर जीरो कर देते हैं, जब व्हेन सिक्स एक्स माइनस वन जीरो, सिक्स एक्स क्या हो गया वन, एक्स हो गया वन बाय सिक्स। दूसरा बात, एक्स प्लस वन जीरो, एक्स माइनस वन। तो देखिए बच्चों, एक्स का मान वन बाय सिक्स ही वैलिड होगा, माइनस वन वैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेन इनवर्स आपको था टू एक्स प्लस टेन इनवर्स थ्री एक्स बराबर पाई बाई फोर। लेफ्ट साइड में अगर हम पॉजिटिव मान बैठाते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर निगेटिव मान बिठाएंगे तो राइट साइड तो पॉजिटिव है, जिस कारण से ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है। माइनस बिठाने पर मान तो माइनस आना चाहिए लेकिन राइट साइड है पॉजिटिव, इस कारण से ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि ये जो है संतुष्ट नहीं करता है समीकरण को, ये संतुष्ट कर देता है। तो इसीलिए एक्स का मान रिजल्ट जो हो गया वो वन बाय सिक्स हो गया। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर कर दें ग्रुप में अपना, चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब लिखा होगा लाल में, उसे क्लिक कर दें। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।